नमस्कार, मैं पत्रकार राजकुमार और आप सबने देखना शुरू कर दिया है टीएलआर। इस समय हम भदरवाह की खूबसूरत वादियों में जाई वली में पहुंचे हुए हैं और इस समय मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए बीडीए के चेयरमैन जो है वो मौजूद है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। लेकिन आज इस ठंड के मौसम में सर आपका बहुत बहुत स्वागत, और ये जो पट्टू आपने लगाया है ये आपकी ओर हमें आकर्षित कर रहा है। हाँ जरूर, पट्टू की बात आपने पहले करी है, यही यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है और हम सबको इस ओर देखना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें अपनी लोकल चीजों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत कम लोग सर अब ऐसे रह गए हैं जो इन चीजों को बनाते हैं, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं आपको बता दूं, ये एक पट्टू नहीं मेरे पास, इस किस्म में दो तीन पट्टू जी। ये इसका कलर देखिए कितना ग्रे है और दूसरा मेरे पास व्हाइट है, और मैं बड़ा शौकीन हूँ। और नॉर्मली जब भी मैं कभी देखिए ऐसे प्रोग्राम में जाता हूँ तो इस किस्म के ही पहनावे में जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा लोकल प्रोडक्ट प्रमोट हो, हमारी जो एक प्राचीनी विरासतें हैं, ये धरोहरें हैं, इनको हम जिंदा रखें। सर हम चाहते हैं कि जिस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने जो डायरेक्टरेट अब जम्मू के साथ मिलकर टूरिज्म के साथ ये 5 दिन का जो प्रोग्राम जो है यहाँ पर चलाया गया भदरवाह के अंदर, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ देखिए, जो 5 दिन का ये प्रोग्राम हमारा यहाँ रहा और अभी चल रहा है, तो दूसरा दिन है। देखिए हमारे भदरवाह वासियों की, बल्कि डोडा पूरे रीजन की मैं बात करूँ तो एक देरी ना डिमांड रही थी कि भदरवाह में विंटर्स में एक्टिविटीज नहीं होती हैं, तो अब पिछले 1-2 साल से ये सारा शुरू हो चुका है। लास्ट ईयर भदरवाह अस्किनी के नाम से यहाँ फेस्टिवल हुआ और एक अच्छा इवेंट हो रहा है, और फॉर्चुनेटली तब हमारे जाई वैली में काफी बर्फ भी था, अब इस साल वहाँ बर्फ नहीं पड़ा है और इस साल तो हमारे गुलडंडा में बर्फ पड़ा है। तो इस मेले के हवाले से मैं बताऊं, आज यहाँ पे हमारा दूसरा दिन है और बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही हैं। आपने देखा पीछे, देखे मेरे कितना ज्यादा रश है, कितना लोग एंजॉय कर रहे हैं और कितना अच्छा रिस्पॉन्स है। और दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ भदरवाह कि आप देखोगे कि इस दिसंबर के महीना में जी, इस जाई वैली में इतना जमघटा हो, इतना रश हो, ये अपने आप में अद्भुत है जी। और ये कहीं ना कहीं लोगों की मेहनत है, टूरिज्म डिपार्टमेंट की मेहनत है, हम सब की मेहनत है, भदरवाह के लोगों की, पूरे डोडा लोगों की मेहनत, मैं कह सकता हूँ इसके पीछे, क्योंकि मेहनत रंग लाई है और आज हमारे जाई वैली में भी इस कदर का टूरिस्ट आया हुआ है। और ये दूसरा दिन है, अब तीसरा और चौथा दिन जो है हमारा, वो मैं बताना चाहूंगा आपको कि फेमस जो आजकल हमारा स्नो पॉइंट हो चुका है गुलडंडा भदरवाह, अपने आप में अद्भुत है। वहां आज जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह कोई स्नो नहीं है, लेकिन हमारे भदरवाह में जस्ट 25 से 30 किलोमीटर में, मैं कहता हूं कि कोई आधे घंटे का रन है और आप स्नो एंजॉय करोगे। और वहां आए दिन बहुत सारा टूरिस्ट आ रहा है और एंजॉय कर रहा है। टूरिस्ट वो है जो आउट ऑफ स्टेट है, जो साउथ इंडिया का है, नॉर्थ इंडिया का है, मतलब थ्रू आउट इंडिया का, मैं कितनी सब स्टेटों का नाम नहीं लूंगा, हर स्टेट का टूरिस्ट मेरे पास रिव्यू है और वहां आ रहा है। और उस बात को देखते हुए, उसी बात को देखते हुए गुलडंडा में हमने 2 दिन का फेस्टिवल रखा हुआ है, और लास्ट डे हमारा जो है वो मेगा इवेंट भदरवाह, जो हमारा भद्रकाशी का एक प्राचीनी टाउन है, कस्बा है, वहां होगा। वहां 31 को मेगा इवेंट होगा और इस इवेंट में हमारे सेलिब्रिटी सिंगर जो है काका जी आ रहे हैं और उनके साथ साथ लोकल लोग भी परफॉर्म करें। चलिए सर, टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, बीडीए भी यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसी के साथ बहुत सारे ऐसे सवालात भी निकल कर आते हैं जहाँ पर जो है बीडीए पर तंज कसे जाते हैं कि अभी तक जो है जो पुरानी चीजें बनी हुई थी, पार्के थी, वैलीज थी, लेकिन उन्हें दोबारा से सजाया नहीं जाता या रीअपेयर नहीं, रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता उन जगहों पर, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ऐसा नहीं है, मैं ये बात बता दूं आपको कि बीडीए 2006 में बना और वो एक कोशिश रही गवर्नमेंट की ओर से कि भदरवाह को नेशनल टूरिज्म मैप पे लाया जाए। और मैं ये दावे से कहता हूं कि 2006 के बाद आज तक जिस कदर, अगर आज इतना आप चहल पहल जाई में देख रहे हो तो क्या ये बीडीए का कंट्रीब्यूशन नहीं है? बिल्कुल, बीडीए ने 2006 से लेकर आज तक बहुत सारे फेस्टिवल करवाए हैं, बहुत सारी प्रमोशन करवाई है, ऐसी बात नहीं है। हर जगह हम गए हैं, हर जगह हमने भदरवाह की, पूरे चनाव रीजन की हमने प्रमोशन करी है, और उसको देखते हुए आज हमें उसका नतीजा ये हुआ है कि अब भदरवाह जो हमें दावे से कह सकता हूं कि भदरवाह ऑल टाइम डेस्टिनेशन बन चुका है और लोग अब हर सीजन में वहां यहां पे आ सकते हैं, ख्वाह वो जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर हो या जून जुलाई हो, हर सीजन में अब यह हमारा लोग आएगा। और जहां तक आपने रिपेयर या रेनोवेशन की बात करी है, तो हाँ
ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ एक जगह जो है रिपेयर करने वाली है उनको भी हम कर देंगे, लेकिन ओवरऑल हमारा बीडे का जितना सेट है तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा है, चल रहा है और जो भी बाहर से लोग आते हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। हमारे पार्क जो है आपने देखा, गाढ़ा पार्क कितना खूबसूरत पार्क है, या अपना नाल्ठी पार्क है। हाँ ये बात है कि अब थोड़ा सीजन जो है ठंड का हो चुका है और उन जगहों में उतनी ग्रीनरी वीरानी सी आएगी। क्योंकि आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये रहेगा कि बदरवा में अक्सर जो भी टूरिस्ट आता है उसकी एक शिकायत रहती है कि खाना उसे अच्छा जो है खाने को नहीं मिलता। हम पिछले दो दिन से बदरवा के अंदर सेम हमारे साथ भी यही चीज हो रही है, तो इस चीज को लेकर जो है आप कैसे टूरिस्ट की ये वाली मांग को पूरे करेंगे क्योंकि खाना अच्छा नहीं मिल पा रहा लोगों को। शायद कहीं ना कहीं एक बात मैं यहाँ जरूर कहूँ, मैं आपकी बात से मुतमइन रहता हूँ, लेकिन आज से 5 साल या 10 साल पहले तब यहाँ कुछ नहीं मिलता था, तब यहाँ पर अथॉरिटी के एसेट्स के अलावा बाकी एक दो होटल से, लेकिन आज आज मुझे मैं ये कह सकता हूँ कि शायद रश इतना ज्यादा हुआ हो तो कहीं खाना खत्म हुआ हो। अलबत्ता हमारे पास आज होम स्टेज हैं, गेस्ट हाउसेज हैं और होटल्स की तो लाइन लग चुकी है, बहुत सारा होटल बन चुका है, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स ने तो बहुत सारा कंट्रीब्यूट कर दिया बदरवा टूरिज्म के लिए। ये लेके कि फूड की क्वालिटी को लेकर, हाँ क्वालिटी हम इंप्रूव करेंगे ऐसी बात नहीं है और कर भी रहे हैं, और मैं इनसे बात करता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगा कि क्वालिटी की, अभी तक मुझे किसी टूरिस्ट ने शिकायत नहीं करी है अभी तक। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल दो दिन से मेरे साथ हो रहा है। चलिए ऐसा कोई पार्टिकुलर केस हो गया, कहीं आप किसी होटल में गए तो मुझसे बात कीजिए, मैं अलग अलग मैं देखूंगा, मैं उस चीज को देखूंगा कि अगर कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना होना पाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप शुक्रिया जी, शुक्रिया। हाँ ये वाली बात सही है, और सर हम अगली बार चाहेंगे कि आप घटना भी जो है इस पट्टू का लगा। आई विल टेल यू वन थिंग ये घटना मेरे पास, मैं परसों ही आप उस पट्टू में हूँ जी, मेरे पास वो भी है, वो पेंट है मेरे पास पट्टू का ट्राउजर भी है और गुलडंडा में आप मुझे उसी ड्रेस में देखोगे, यानी क्या परसों उस ड्रेस में देखोगे आप। चलिए हाँ, और जरूर उस ड्रेस में चल के आपसे बात जरूर करूंगा मैं गुलडंडा की बर्फीली वादियों में। जरूर, ये थे बीडीए के चेयरमैन, हमारे साथ बातचीत जो है वो कर रहे थे और आपने तमाम सवाल जो है वो सुने, और अभी भी क्योंकि ये हकीकत है। हाँ जरूर जरूर सर, आप नंबर ले लो इनका, तो मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि आप देख सकते हैं इस समय हम जाय वली के अंदर है और तमाम लोग युवा जो है यहाँ पर पहुंचा था आज दिन की जो है वो लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जितना कहा गया था उससे बहुत कम यहाँ पर हमें देखने को मिला। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आपकी ये जाय है और जाय का ये वीरान, पूरी सिटी गंद ही गंद, लिफाफे ही लिफाफे यहाँ पर पड़े हुए हैं, कोई भी सफाई जो है यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली। और ये अक्सर हम टूरिस्ट को भी कहते हैं या जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनकी जिम्मेवारी है कि वो जब कुछ भी खाते हैं उसे यूं ही यहाँ पर ना फेंके। हम आपको विजुअल्स के माध्यम से भी दिखाएंगे कि आगे बहुत ज्यादा जो है वो गंद कूड़ा करकट जो है पड़ा हुआ है, डस्टबिन लगे हुए थे वो जला दिए गए हुए हैं यहाँ पर, यानी कि सफाई को लेकर जाय वली के अंदर ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिलहाल आप तमाम लोगों को क्या लगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, और खाने को लेकर बदरवा में क्या रिव्यू है आपका वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। दीजिए राजकुमार को इजाजत, बने रहें टीएलआर के साथ। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।